जा रहे हैं। उत्तरकाशी में एक हेलीकॉप्टर पहुंचा है, टीमें लेकर हेलीकॉप्टर से पहुंची है टीमें, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि युद्ध स्तर पर जो चीजें हैं, जो प्रयास है वो चल रहे हैं और किसी भी वक्त निकाला जा सकता है फंसे हुए मजदूरों को। 7 टेक्नीशियंस की टीमें मौके पर पहुंची है हेलीकॉप्टर से। सात टेक्नीशियंस की टीमें अब इस वक्त पहुंच चुकी है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। एक हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा है और देखिए अब युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। और मेरे साथ पंकज जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पंकज, एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है इन विजुअल्स में, 7 टेक्नीशियंस यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या अपडेट है पंकज? देखिए जो बहुप्रतीक्षित इंतजार था टेक्नीशियंस का वो खत्म हुआ है। साथ में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सड़क राज्य मंत्री जो है वो पहुंचे हैं, वीके सिंह, और सीधे तौर पर उनके द्वारा अब क्योंकि जो टेक्निकल फॉल्ट जो है वो अंदर काफी देर से चल रहा है और जो टनल में जो सरिये थे उनको काटा जा रहा था, ऑगर मशीन में भी कुछ गड़बड़ी थी जिसको ठीक किया जा रहा है, और उसके बाद जो है वहां पर ड्रिलिंग का काम फिर से शुरू होगा। लगभग 10 से 12 मीटर का ये पैच है जिसको वो किया जाएगा, और अगर कहा जाए तो इसमें लगभग 5 से 6 घंटे लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले ही ये हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो टेक्नीशियन की टीम है वो पहुंची है, और ये तमाम लोग जो है वो दिल्ली से बुलाए गए हैं। 7 लोग इस टेक्नीशियन की टीम में मौजूद हैं, उनमें अलग अलग तरीके के टेक्नीशियन हैं, चाहे वो सुरंग और टनलिंग से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो ऑगर मशीन के भी उसमें टेक्नीशियन है उनको भी बुलाया गया है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जो परेशानी, जो टेक्निकल फॉल्ट जो है वो दिखाई दे रहा था उसके अंदर, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि 7 लोग इस वक्त पहुंचे हैं जो आगे जो फर्दर चीजें वो उनको संभालेंगे, मोर्चा संभालेंगे। पंकज, अब ये माना जाए कि अब किसी भी वक्त, कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन जो धीरे धीरे काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है इसको लेकर? देखिए उम्मीद तो की जानी चाहिए, काउंटडाउन तो कल से ही शुरू था, कल भी हम ये मान के चल रहे थे कि कल ही निकल जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर सुरंग है जो कभी भी अगर जरा सी टूट हुई और एक भारी भरकम मलबा जो है फिर से गिर पड़ेगा और फिर से ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़ेगा, तो तमाम चीजें जो है उन पर बहुत संभल कर वो किया जा रहा है। देखिए ये जो पिलर भी अगर जो बना हुआ है उस पर भी उसके जो सरिये काटे जा रहे हैं उसको हो सकता है कि जो टनल का जो ठीक है, पंकज आपको फिलहाल रोकना चाहेंगे। जी, जो अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है उसमें बीच बीच में कुछ तकनीकी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको ओवरकम करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और उनके विशेषज्ञों के इनपुट्स लेकर ही इस रेस्क्यू कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो अंदर काम कर रहे हैं लोग उनकी सुरक्षा भी आवश्यक है और साथ ही साथ कार्य को सुरक्षित तरीके से आगे कैसे बढ़ाया जाए इसको करने के लिए चीज जरूरी। हम टनल इंजीनियर्स हैं, टनलिंग में एक्सपर्ट हैं हम लोग, तो यहाँ पे पहले अपडेट लेंगे क्या है, उसके हिसाब से कितने फ्रंट पे काम चल रहा है वो देखेंगे, और फिर जहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो बताएंगे, अगर नहीं हो सकता कुछ और एडिशनल चाहिए तो वो बताएंगे। हम एक्सपर्ट हैं, डिजाइन देते हैं और हम बताते हैं किस किस तरीके से काम हो सकता है। कितने लोग आप लोग आए हैं? हम लोग 3 लोग आए हुए हैं। और पंकज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जानकारियां दे रहे हैं। पंकज, जैसा भी सभी जानते हैं कि दूसरे देशों की मदद भी की ली जा रही है, लगातार हर एक चीज़ों पर आगे बढ़ने की कोशिश, और 7 टेक्नीशियंस भी वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ इसमें नहीं कहा जा सकता है क्योंकि रेस्क्यू चल रहा है, जो स्थितियाँ हैं काफ़ी चैलेंजिंग अपने आप में बनी हुई हैं। बिल्कुल, और ये जो सब आए हैं वो टनल के एक्सपर्ट हैं, और जिस तरीके से जब अभी जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, सुबह में मैंने बताया था जो पिलर है। We can't get in, so I'm just going to go have a look and see what's happening. So if the door doesn't open, this door doesn't open. And if you put my promise is always been 41 men coming home safe, no one else getting hurt. 12
Oh, well, whoever told you that. जुड़े हुए हैं पंकज, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, जैसा मैं आपको सुबह भी बता रहा था कि जो सरिया है और एक पिलर जो है वो एक मुश्किल का सबब बना है। ऑगर मशीन लगातार उस पर जोर लगा रही थी, जिसकी वजह से उसके भी कल रात एक जो उसमें पंखड़ी होती है वो टूट गई थी, जिसको बदला जा रहा था। और मुझे लगता है कि अब हो सकता है कि वो पिलर जो है ऊपर जो टनल का जो बेस है ऊपर वाला, उसको स्ट्रेंथन कर रहा हो। अगर मुझे लगता है कि क्या पता उसकी जगह कुछ और दूसरा रास्ता। हालांकि एक जो लैटिस गर्डर होता है आयरन का, जो लोहे का जो पाइप होता, लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है, वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसको काट दिया गया है अभी। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं, अगर नहीं आते हैं आगे, 12 मीटर की ही ड्रिलिंग करनी है, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाए। आज चूंकि आप कप्तान हैं, क्या निर्देश है आपका पुलिस बल के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, अगर आज रेस्क्यू होता है जिसकी संभावना है? देखिए, जो हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है, वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर ली हैं, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे। तो सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम करना है और एक मिनट इम्पॉर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं, और उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो होगा वो हम सब हर जगह। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कहाँ तक ले जाना है? देखिए, अभी ये मुझे चिन्यालीस और तक ले जाएंगे, जहाँ तक है लगता है हमको। तो कितने बेड का आपने अस्पताल तैयार करवा रखा है? देखिए, इस बारे में डीएम साहब ज्यादा बता पाएंगे आपको कि कितने बेड हैं, बट उसमें बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज हैं और जितने ट्रैप्ड हैं उन सबके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज हैं। पहले सबको चिन्याला सॉर्ट लेकर जाया जाएगा जी, उसके बाद जरूरत हुई तो आगे ऋषिकेश ले जाया जाएगा जी। अभी खुद यहाँ आप मौजूद हैं, क्या सूबे के मुख्यमंत्री आने वाले हैं? जी हाँ, अभी कुछ वीआईपी मूवमेंट्स की उम्मीद है। जनरल वीके सिंह साहब भी आ रहे हैं, मॉर्थ के सेक्रेटरी भी आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए खड़े हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। Can we cut the steel part? Sir, please. Thank you. पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, आप देखिए, अपने आखिरी पड़ाव पर ये पूरा रेस्क्यू है और तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वहां से निकलकर सामने आ रही है, अभी कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है इस मामले में ज्यादा। देखिए बिल्कुल, और अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि वीके सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैं लगातार कह रहा था कि कहीं ना कहीं जो टनलिंग में जो परेशानी आई है, उसके ब्लेड काटे जा रहे थे। और जैसे अभी अर्पण यदुवंशी जो एसपी हैं उत्तरकाशी के, उन्होंने भी बताया कि उस पर काम लगभग पूरा हो गया है। 12 मीटर का अभी भी पैच जो है उस पर। धन्यवाद आपका पंकज, जानकारी देने के लिए। फिलहाल झांसी से अगली खबर, शराब के नशे में युवक